आज गुरु पूर्णिमा है, आज हम पूरी खीर भुजिया बनाने जा रहे हैं। आलू को हम धो लिए, भुजिया काट रहे हैं। देखिए कैसे भुजिया काट रहे हैं। आलू को भुजिया कट चुका है, धो लिए। कढ़ाई में तेल डाल दिए, मिर्चा डाल दिए, और मिर्चा डालने के बाद हल्दी डाल दिए। उससे भुजिया पीला पीला दिखता है। देखिए कैसे पीला दिख रहा है भुजिया। सारे भुजिया को हम डाल दिए, और उसके बाद हम मिलाएंगे। देखिए मिला रहे हैं, हर तरफ से मिला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी सीख जाइए। नमक भी डाल दिए, नमक डालकर मिलाइए। इसी तरह आप भी मिलाइएगा, अच्छे तरह से मिला लेना है इसको। हम जैसे हम मिला रहे हैं, भुजिया को ढक दिए, 10 मिनट के लिए ढक दिए भुजिया को। फिर उसके बाद अच्छे तरह से उसको मिलाइए। लहसुन का पेस्ट डालें, जिससे अच्छे टेस्ट आते हैं। लहसुन का पेस्ट को हम मिला रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम मिर्चा पाउडर भी डालेंगे। अब डालने जा रहे हैं मिर्चा पाउडर। थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल दिए हैं, उसको मिला रहे हैं। 10 मिनट तक छोड़ देना है भुजिया को। देखिए भुजिया तैयार हो गया, पूरी बना रहे हैं। एक एक पूरी को हम सारा छान लेंगे, और खीर का वीडियो हम कमेंट में ऐड कर देंगे। पूरी बना लिए, अब एक एक करके हम सारा खाना निकालेंगे। बाबा जी को भोग लगाएंगे। देखिए भोग लगा दिए हैं। सब खाना, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।